हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? तो आज के इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक चालू करेंगे। ऑलरेडी हमारा ट्रुथ टेबल हो चुका है पढ़ाकर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इजी टॉपिक है और दो दो मार्क्स के एग्जाम में पूछते हैं। मैं बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूँ। टॉपिक का नाम है 1.7 एक्सरसाइज। हमारा चैप्टर चालू है मैथमेटिकल लॉजिक। राइट द ड्यूल ऑफ द फॉलोइंग। अभी ड्यूल होता क्या है, ये वर्ड पर ध्यान देना। ओके, सिंपल है, कुछ नहीं। देखो सिंपल क्या है, यहाँ पर मैंने एक चीज़ें लिख के रखी हैं, आपको लिख कर लेना है बुक में। थ्योरम का नाम है ड्यूअलिटी थ्योरम। थ्योरम इसलिए बोला गया, रूल एक तरह का। ओके, कभी भी ड्यूअलिटी करने बोलेगा तो सिंपल करना क्या है आपको, देखो एंड दिखेगा तो और लगा देने का, और दिखेगा तो एंड लगा देने का। ये डबल साइन मैंने क्यों बनाया है, क्योंकि इसका वो हो जाएगा, उसका ये हो जाएगा। मतलब एंड दिखा तो और लिखना, और दिखा तो एंड लिखना। एंड की साइन दिखी तो और की साइन लिखना, और की साइन दिखी तो एंड की साइन लिखना। ट्रू दिखा तो फॉल्स लिखना, फॉल्स दिखा तो ट्रू लिखना। बस इतना लिखना, आपको दो मार्क्स इतना याद रखना, दो मार्क्स आपका हो जाएगा। अभी क्वेश्चन में आपको ये दिया है, आपको बोला है राइट द ड्यूल ऑफ फॉलोइंग। तो सिंपल क्या करना है, अपने को लिखना है इट्स ड्यूल। इस ड्यूल क्या होगा, इसका ड्यूल ले लो पी, और का बन जाएगा एंड। रूल बताया मैंने पहला वाला, और की जगह आ जाएगा एंड। क्यू एज इट इज, ब्रैकेट भी एज इट इज, और की जगह आ जाएगा एंड, पीछे आ जाएगा आर। ये आपका हो गया आंसर। सो सिंबल चेंज करना है, और का एंड, और का एंड, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट इसका, इसका भी इट्स ड्यूल इज। कुछ नहीं करना, कोई नेगेशन कुछ हाथ नहीं लगाना, सिर्फ जो तीन चीज दिया वो चेंज करना। सेम रहेगा पी ब्रैकेट नेगेशन, पी ब्रैकेट और की जगह आ जाएगा एंड, पीछे क्यू बीच में एंड की जगह आ जाएगा और, बनाओ डब्बा पी और की जगह आ जाएगा एंड, क्यू एंड की जगह आ जाएगा और, नेगेशन आर एज इट इज। कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ एंड की जगह और की जगह एंड। देखो और था एंड कर दिया, बीच में फिर एंड था और कर दिया, और था एंड कर दिया, एंड था और कर दिया। ओके, इतना कॉपी कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलरली करना है, ड्यूली निकालना है अपने को, वो रूल फॉलो करना पड़ेगा। ओके, तो क्वेश्चन थोड़ा देख लो, क्वेश्चन कुछ करना नहीं है आपको, बेवकूफ बनाने के लिए इक्वल टू दिए है। तो आप चालू कर दोगे टूटे वाला टॉपिक, इक्वल करना है, ऐसा नहीं करना है, डायरेक्ट ड्यूल लेना है। इट्स ड्यूल इस क्या है बताओ, पी के जगह पी, आर के जगह एंड, क्यू के जगह क्यू, आर के जगह एंड, आर के जगह आर, एज इट इज। पी के जगह पी, आर के जगह एंड, क्यू के जगह क्यू, आर के जगह वापस एंड। ओके, यहां पर भी सेम, इट्स ड्यूल इस नेगेशन एज इट इज, पी एंड की जगह और, यानी पी और क्यू तीन साइन, नेगेशन पी, नेगेशन पी, और की जगह एंड, नेगेशन क्यू। वह देख लो क्या किया मैंने, और की जगह एंड, और की जगह एंड, और के जगह एंड, और के जगह एंड, सब जगह और था, सब जगह एंड कर दिया मैंने, नेगेशन आज ही रहेगा, एंड के जगह और के जगह एंड। कॉपी कर लो इतना, नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम है, बस क्वेश्चन नंबर टू है आपका। राइट द ड्यूल, करना वही है, लेकिन इस बार आपको कंपाउंड स्टेटमेंट दिया है। जो पिछला क्वेश्चन था उसमें सिम्बॉलिक स्टेटमेंट दिया था, इस बार कंपाउंड। कंपाउंड भी कहते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें देखो ये एक स्टेटमेंट है 13 से प्राइम नंबर, एक स्टेटमेंट हुआ, और दूसरा इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, दोनों को मिलाकर एक स्टेटमेंट बनाया। तो दो चीज़ को मिलाकर एक चीज़ बनता है दोस्तों, कंपाउंड बोलते हैं हम लोग। तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट है, कुछ नहीं करना वही है, मैंने बताया ऑलरेडी, एंड की जगह और की जगह एंड। तो करना क्या है, देखो सबसे पहले यहाँ लिखने का, इट्स ड्यूल इज विद इन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। ओके, क्या बोला है, 13 से प्राइम नंबर, नो चेंज, सेम आएगा, 13 is a prime number, एंड की जगह आ जाएगा और, तो एंड की जगह आ जाएगा और, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो यहां आ जाएगा इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, क्लोज सिंगल डबल इन्वर्टेड कॉमा। ओके, इट्स ड्यूल, ड्यूल ड्यूट नहीं है।
इट्स ड्यूल इज 13 इज ए प्राइम नंबर और इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री. ओके नेक्स्ट, यहां पर लिखने का इट्स ड्यूल इज. ओके पहले रीड कर लेते हैं क्वेश्चन. करीना इज वेरी गुड और एवरीबॉडी लाइक्स हर, सेम वही लिखना है क्या? करीना इज वेरी गुड और की जगह आ जाएगा एंड, तो इधर आ जाएगा एंड, क्या आगे सेम आएगा? एवरीबॉडी लाइक्स हर. ओके इतना कॉपी कर लो, नेक्स्ट पे चलते हैं. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है. ओके सेम है, राधा एंड सुष्मिता कैनॉट रीड उर्दू, तो आपको पता होगा एंड की जगह और आ जाएगा. लेकिन बहुत बच्चे सोचेंगे सर कैनॉट का रीड कर देते हैं, रॉन्ग. मैंने बोला है कैनॉट नॉट नेवर को टच नहीं करना है, डी ऑल में सिर्फ एंड को और एंड को और को एंड चेंज करना है जो भी वहां लिखा है मैंने. ओके तो यहां लिखते हैं, रिपीट करते हैं एक बार. इट्स डी ऑल इज विद इन डबल इन्वर्टेड कॉमा, क्या है? राधा एंड की जगह आ जाएगा और सुष्मिता क्या सेम ही आएगा, कैनॉट क्या रीड उर्दू क्लोज डबल इन्वर्टेड कॉमा. ओके नेम सेम इसका, इट्स ड्यूल इज क्या विथ इन डबल इन्वर्टेड कॉमा अ नंबर इज अ रियल नंबर, ये सेम ही रहेगा इज अ रियल नंबर एंड क्या आ जाएगा और सेम आएगा द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज नॉन नेगेटिव. ओके यहां लिख देता हूं द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज नॉन नेगेटिव क्लोज डबल इन्वर्टेड कॉमा. ओके ये आपका एक्सरसाइज खत्म हुआ, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज चालू करेंगे. ओके थैंक यू वेरी मच.